नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F13 versus Xiaomi Redmi 11 Prime का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy F13 में 6.51 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy F13 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy F13 में 3.03 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy F13 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy F13 में 0.37 इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy F13 में 207 ग्राम्स जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 201 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy F13 में LCD जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy F13 में 6.6 इंचेस जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy F13 में 82.68% जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 83.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy F13 में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy F13 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Xiaomi Redmi 11 Prime की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy F13 में 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Xiaomi Redmi 11 Prime की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy F13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Xiaomi Redmi 11 Prime में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy F13 में Mali G52 जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy F13 में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Xiaomi Redmi 11 Prime में MediaTek Helio G99 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy F13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB की RAM मिलती है, जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4 GB 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64 GB 128 GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy F13 में अप टू 1 TB जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में अप टू 512 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy F13 में 6000 mAh जबकि Xiaomi Redmi 11 Prime में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
गैलेक्सी F13 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की, तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो सैमसंग गैलेक्सी F13 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 11 Prime की तो उसमें 6 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की, तो डिस्प्ले में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Xiaomi Redmi 11 Prime आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M33 5G है, तीसरा Tecno Spark 8P है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G22 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।